हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फज। आज हम गर्मा गर्म फज शेयर करेंगे जो बहुत ही टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म बनाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। आज हम जमाएंगे नहीं फज को, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। गर्मा गर्म डेजर्ट बनाने के लिए आज हम गर्मा गर्म फज बनाने वाले हैं। आज हम जमाएंगे नहीं जो गर्म ही खाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले लेंगे 100 ग्राम लेंगे कंडेंस मिल्क, 100 ग्राम कंडेंस मिल्क। गैस की फ्लेम को लो रखना है। इसमें डालेंगे हम एक चम्मच बटर। एक चम्मच भर के मैंने छोटी चम्मच को भर के डाला है बटर, 1 टेबलस्पून। लो फ्लेम पर इसे मेल्ट करेंगे, अच्छे से गरम करेंगे। ये देखिए कंडेंस मिल्क अच्छे से गरम हो गया है, बटर भी अच्छे से मिक्स हो गया है इसके अंदर। मैं यहां ले रही हूं डार्क चॉकलेट। आप व्हाइट चॉकलेट भी ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट इसलिए ले रही हूं, डार्क कंपाउंड से लिया है वो इसलिए ले रही हूं क्योंकि कंडेंस मिल्क रहता है वो बहुत मीठा रहता है, इसलिए बैलेंस करने के लिए स्वीट को। डार्क चॉकलेट मैंने यहां ली है 70 ग्राम, नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए। आप इसे मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है, चॉकलेट भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है क्योंकि कंडेंस मिल्क हमारा गर्म था और चॉकलेट के पीसीज हमें छोटे छोटे काटने हैं। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसमें डालेंगे रोस्टेड किए हुए काजू और बादाम। मैंने यहाँ आधा कटोरी जितने लिए हैं, थोड़े हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं, बाकी हम इसमें डाल देते हैं। ये आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। ये डेजर्ट गर्मा गर्म खाने में ही मजा आता है। ये देखिए अब इसे सर्व करेंगे हम। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ दो छोटे छोटे ग्लास लिए हैं। आप छोटे छोटे कटोरियां भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ छोटे वाले ग्लास लिए हैं। इसमें हम इसे भरेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ मिनी ग्लासेस में डाल लिया है। अब इसके ऊपर रोस्ट किए हुए जो काजू बादाम है वो डालेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं लेकिन रोस्ट करके ले। रोस्ट करने के बाद इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। ये फज खाने में आपको बहुत ही डिलीशियस लगेगा, बहुत टेस्टी होता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मिनटों में बनने वाला है झटपट। फज हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस बना है। आप इसकी जगह मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।